हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेल वंस अगेन आई एम हेयर योर इंग्लिश टीचर मीनाक्षी चौधरी विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टुडे इन दिस पार्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस नाउ वन क्वेश्चन अराइजेज इन अवर माइंड कि हम इस टेंस का यूज कहाँ करते हैं वेन वी यूज दिस टेंस वी ऑफन यूज दिस टेंस टू क्यू गिव न्यू जो नई चीज़ है उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं जो भी रिसेंट हैपनिंग्स हैं जो क्रियाएं अभी कुछ देर पहले ख़त्म हुई हैं उस क्रिया को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं मतलब कि जो भी क्रिया जो भी काम कुछ देर पहले ख़त्म हो चुकी हो उस क्रिया को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं नाउ लेट्स सब्जेक्ट फर्स्ट वी हैव डिवाइडेड सब्जेक्ट इन टू पार्ट्स सब्जेक्ट के तीन टाइप्स होते हैं फर्स्ट पर्सन द पर्सन हु स्पीक्स जो व्यक्ति बात करता है उसे कहा जाता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई एंड प्लूरल में वी देन कम सेकेंड पर्सन द पर्सन टू होम यू आर स्पीकिंग जिससे आप बात कर रहे हैं उसे कहते हैं सेकेंड पर्सन सिंगुलर में आता है यू एंड प्लोर इज ऑल्सो यू देन कम्स थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन मीन्स वॉट द पर्सन टू होम यू आर स्पीकिंग अबाउट जिसके बारे में बात हो रही है दैट कम्स एज थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही शी एट एनि एनी अदर नेम सैम जैसे प्लोरल में आता है दे नाउ लेट एस जम्प टू द दमूला फर्स्ट देखिए सब्जेक्ट हमने वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट सब्जेक्ट आठ तरह के होते हैं देन कम्स टू बी टू बी मीन्स वॉट हेल्पिंग वर्ब याद रखिएगा कीप इन माइंड वट इज दिस हेल्पिंग वर्ब जो इस वर्ब को हेल्प करता है उसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब अंडरस्टूड हम इसे इतना याद रख सकते हैं जो वर्ब को हेल्प करता है उसे हेल्पिंग वर्ब है, कहते हैं टू बी कहते हैं नाउ हेल्पिंग वर्ब मीन्स टू बी के दो फॉर्म्स होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वन इज हैव एंड अनदर इज हैज इन दोनों में से किसी एक का यूज करना है एंड जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है ना लेट्स एग्जाम्पल्स गॉन टू स्कूल यू हैव गॉन टू स्कूल वी हैव गॉन टू स्कूल दे हैव गॉन टू स्कूल ही हैज गॉन टू स्कूल शी हैज गॉन टू स्कूल सैम हैज गॉन टू स्कूल नाउ यहां आप देखिए आप यू हैव टू कीप इन माइंड अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर एट द टाइम मीन्स ही शी इट एंड सैम ये सब्जेक्ट हो ऐट द टाइम वी यूज हैज हमें हैज का इस्तेमाल करना है अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर ना हो तो वी कैन यूज वी हैव टू यूज हैव उस वक्त हम हैव का यूज करने वाले हैं यह हमें माइंड में रखना है एंड फाइनली जो हमारा वर्ग है जैसे यहां पर गौन है इस वर्ग का हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे जैसे इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है That is go. Second form went. And third is? Lastly, gone. This gone is the third form. We Then sentence is finished. Now let's see some examples. You will get it much better. For example, I have played football. I football played football. You have played football. We have played football. They have played football. He has played football. She has played football. Sam has played football. अब देखिए यहां पर लास्ट सेंटेंस है सैम हैज प्लेट फुटबॉल मीन वॉट सैम ने फुटबॉल खेल लिया है अंडरस्टूड नाउ लेट अस सी नेगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सी आई हैव रिटन द सेम फार्मूला विच आई हैव यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट बट पर थोड़ा सा स्लाइड चेंज है कीप इन माइंड ध्यान से देखिएगा वो स्लाइड चेंज क्या है दैट इज जो हमारा टू बी है मतलब यो हेल्पिंग वर्ब है एग्जैक्टली आफ्टर दैट आई यूज दिस नॉट वर्ड देखिए ध्यान से वैन वी यूज नॉट इन दैट सेंटेंस बट इट इज नेसेसरी वेयर वी आर गोइंग टू यूज दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी यूज दैट नॉट एग्जैक्टली आफ्टर आवर हेल्पिंग वर्ब And before verb, that sentence becomes negative sentence. Isn't it that simple? Example. I will make my sentence with they. They have not played football. football Understood? Then, same example. Sam has not played football. Sam ne football nahi khela. Understood? See, we will make some sentences into negative sentences. एग्जाम्पल आई हैव प्लेड फुटबॉल देखिए ये सेंटेंस जो है एज इट इज यहां पर लिखा बट मैंने क्या किया वॉट आई हैव डन आई हैव प्लेड फुटबॉल आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल मैंने फुटबॉल नहीं खेला अंडरस्टुड एग्जैक्टली आफ्टर हैव एग्जैक्टली आफ्टर हैल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने नॉट का यूज किया एंड वो सेंटेंस नेगेटिव बन गया इट्स वेरी सिंपल

सी नाउ अरे नेगेटिव सेंटेंस तो हुई हैलरेडी सीन फिर से क्यों देख रहे हैं यहां पर नेगेटिव सेंटेंस की कुछ हम शॉर्ट फॉर्म्स देखने वाले हैं वी आर गोइंग टू सी शॉर्ट फॉर्म्स सो प्लीज ध्यान से देखिए हैवे लुक यहां देखिए हमने हैवंट यूज किया है पहले हम क्या यूज करते थे हैव नॉट अब यहां हम शॉर्ट फॉर्म में हैवंट यूज कर रहे हैं ये दोनों एक ही हैव नॉट है have not, haven't, एक हैं इसी तरीके से हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैजेंट है सो हैज नॉट के बजाय हम हैजेंट यूज कर सकते हैं लेट्स सी सम एग्जांपल्स आई हैव प्लेड फुटबॉल आई हैवंट प्लेड फुटबॉल इट्स वेरी सिंपल यू हैव प्लेड फुटबॉल यू हैवंट प्लेड फुटबॉल वी हैव प्लेड फुटबॉल वी हैवंट प्लेड फुटबॉल दे हैव

देखिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता था टू बी बट यहां वट इज द चेंज हमारा जो टू बी था वहां वहां सब्जेक्ट के साथ आगे अब सब्जेक्ट टू बी की जगह और टू बी सब्जेक्ट की जगह वट वी हैव डन हव वी हैव एक्सचेंज द प्लेस ऑफ टू बी टू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट टू टू बी देट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दोनों की जगह हमने एक दूसरे से बदल दी है तो हमारा जो सेंटेंस है दैट विल बिकम क्वेश्चन It's very simple. What we have to do is we have to exchange the place of subject to to be and to be to subject. And that sentence becomes question. Wow, it is very easy. It's very simple. See examples. Have you played football? Kya tumne football khela tha? Has he played football? Kya usne football khela tha? For example, I will try some examples. आई हैव प्लेड फुटबॉल हैव आई प्लेट फुटबॉल देखिए वेरी सिंपल यहाँ पे देखिए वट वी हैव डन हमने हैव को आगे लिया और आई को हैव की जगह पे रख दिया एक्सचेंज किया एंड दैट सेंटेंस बिकम्स अ क्वेश्चन अंडरस्टूड सी एन एड एग्जाम्पल यू हैव प्लेड फुटबॉल हैव यू प्लेड फुटबॉल वी हैव प्लेड फुटबॉल हैव वी प्लेड फुटबॉल दे हैव प्लेड फुटबॉल हैव दे प्लेड फुटबॉल ही हैज़ प्लेड फुटबॉल हैज ही प्लेड फुटबॉल She has played football. Has she played football? Sam has played football. Has Sam played football? It's very simple. Well, it's very simple, my dear students. You can see here to be ki subject to subject ki to tubi. These are some examples which I have shown you. I hope it will be very easy for you to get it better. So thank you for watching it. Well, that's all about present perfect tense.